क्या मिजाज हैं आपके, लड़कियां तो कुछ बोलती ही नहीं है, तुम लोग तो बोलती ही नहीं हो, लड़के इतनी बात कर लेते हैं अपने क्लास में, क्यों राशि कुछ कहते ही नहीं हो आप लोग, तो ये ही बोलते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं। अब तुम्हारा स्टार्ट कर दें आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, क्या स्टार्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहले सुना है किसी ने, क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े, इंडक्टिव पढ़ा, रेजोनेंस, मीसोमेरिक पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, ये सब परमानेंट होते हैं, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक, इसको टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएजेंट की प्रेजेंस में काम करता है और फिर रिएजेंट हटा लिया जाए तो इफेक्ट खत्म हो जाता है उस मॉलिक्यूल के अंदर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक है क्या, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, होना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करो तो कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब जब रिएजेंट आया तब तो इफेक्ट आएगा मॉलिक्यूल में, और रिएजेंट को हटा दो तो क्या होगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमेरिक ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, केस जिन केसेस में हम लोग देखेंगे वहां पे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड की कंडीशन होगी तभी आप देखोगे कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या क्या हो आपका, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी कंडीशन होगी तभी आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देख सकते हैं। बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, है ना। जैसे मान लो कि ये कोई कंपाउंड है जिसमें, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड में भी देखने को मिलता है आपको, कीटोन में भी देखने को मिलता है कार्बोनिल, और आपका उसमें भी देखने को मिलता है, आपका एसिड की अगर बात कर लो उसमें भी देखने को मिल जाएगा, है ना। कैसे कैसे मिलेगा, अगर आपको इसका एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पे आपने एक कीटोन बनाना है तो दोनों तरफ आर लगा दिया, अगर इससे एल्डिहाइड बनाना है तो क्या किया, एक आर और एक एच, या ऐसे भी एल्डिहाइड बन जाता है दोनों एच लगा दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये भी एल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है आर सी एच ओ, तो दोनों एच लगा दीजिए या एक आर और एक एच लगा दीजिए इस कार्बोनिल पे, तो क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन कब बनता है, जब दोनों जो फ्री वैलेंसी है उस पे क्या लगा दीजिए, आर लगा दीजिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी लगे आपका, तो क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक। अब इसी को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो एसिड में क्या कर दें, सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर ओ एच लगा दो, इधर क्या लगा दो, आर लगा दो, ठीक है। अगर इसी ग्रुप को देखना है हमें एस्टर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एस्टर में, तो आर सी ओ ओ आर हो गया, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप को अगर ध्यान से देखें हम तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब कहीं पे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम ही होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम है आपकी, कार्बन की, और किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो जब रिएजेंट आता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, कोई रिएजेंट आया मान लो, तो रिएजेंट जब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, खुद से ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी हल्की सी शिफ्टिंग हो जाएगी, जब शिफ्टिंग होती है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज पार्शियल और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल
निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो ये रिएजेंट आया और फिर ये रिएजेंट आकर के या तो इस पे या तो इस पे, दोनों में से किसी पे इस ये रिएजेंट आकर के अटैक कर जाएगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर ये रिएजेंट नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़ा रहता, इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, ऐसे ही पड़ा रहता ये। ठीक, पोलैरिटी कब डेवलप हुई इसमें? जब कोई रिएजेंट आया उस कंडीशन में जाकर के डेवलप हुई और फिर वो इफेक्ट हमको देखने को मिला। अब इसमें मान लो कि कोई ऐसा रिएजेंट है हमारे पास, कोई कुछ कह रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, अटैच होगा एक ग्रुप आकर के, जो रिएजेंट अटैक करेगा वो अटैक होगा। और मॉलिक्यूल में ये इस तरीके की पोलैरिटी डेवलप होना ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। क्या बोल रही हैं रजत? नहीं, बहुत सारी जगह पे होगा। हाँ, और भी जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पे चांसेस हैं। अब मान लो इसके ऊपर रिएजेंट को ये अटैक कर रहे आया, एच प्लस, एच प्लस आकर के अटैक कर रहा है इसके ऊपर। तो जब एच प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर तो क्या होगा? एच प्लस कहाँ पे अटैच हो जाएगा? ओ नेगेटिव पे अटैच होगा। ओ नेगेटिव पे कौन अटैच हो जाएगा? एच प्लस अटैच हो जाएगा, इसका डेल पॉजिटिव तो बना ही रहेगा। ठीक है, जब ऐसा केस होता है कि अटैकिंग रिएजेंट उस तरफ अटैच होता है, अटैकिंग रिएजेंट उस तरफ अटैच होगा जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है जिस एटम पे, तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। कब? जब रिएजेंट का वो पार्ट, मतलब रिएजेंट अटैक जो कर रहा है, अटैकिंग जो स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज किसके ऊपर अटैच हो रही है? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था। अटैच टू एटम ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी उस तरफ, अगर उस पे अगर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच होगा तो उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक में भी प्लस ई बोल देंगे, है ना। इसका अपोजिट भी हो सकता है, कोई दूसरा रिएजेंट भी आ सकता है। जैसे इसी के केस में मान लो हमारे पास सी एन माइनस आ जाए, कौन आ जाए? यही बॉन्ड है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो रिएजेंट आया वो कौन सा आ जाए? क्या टेम्परेरी है? ये जब सी एन माइनस अटैक करने आया तब मॉलिक्यूल में क्रिएट हुआ। ठीक है, अब सी एन माइनस आ गया यहाँ पे अटैक करने, तो सी एन माइनस अगर अटैक करने आएगा तो क्या होगा? वो किस पे जाएगा? पॉजिटिव सेंटर पे मिलेगा जा करके, तो पॉजिटिव सेंटर पे अटैच होगा। यहाँ पे सी एन आके अटैच हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा इफेक्ट आपको दिखाई दे कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किसके ऊपर? पॉजिटिव सेंटर पे अटैच हो रहा है जा करके, जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब जैसे देखो, अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, या कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, तो आप जब इसकी रिएक्शन HCN से कराते हो, किससे कराते हो? HCN से, तो एक स्पेशल तरीके के कंपाउंड बनते हैं, उनको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या नाम देते हैं? बनता कैसे है ये अगर देखो तुम, सी डबल बॉन्ड ओ है, मान लो हमारे पास एसिटल डिहाइड है,
एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक। इसके ऊपर आया अटैक करने HCN, कौन अटैक करने आया, HCN आया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। HCN में दो पार्ट होते हैं, H प्लस और CN माइनस। तो CN माइनस कहाँ पे जाके अटैक करेगा, अटैच होगा इस C पे, और H प्लस कहाँ पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। बीच वाला जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था, यहाँ O के साथ कौन अटैच हो गया, H, और एक CN आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। जो कंपाउंड है उसी के नाम के साथ साइनोहाइड्रिन लगा के नाम दे देते हैं। जैसे ये कंपाउंड था एसिटल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, अगर कीटोन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे तुम एसीटोन ले लो तो दोनों चेंज क्या आएगा, बस इतना ही आएगा कि भाई दोनों तरफ CH3 आ जाएगा, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, CH3 आ गया मॉलिक्यूल में। बाकी तो सेम उसी तरीके से रिएक्शन होना है। HCN अगर अटैक करेगा, ये माइनस ये प्लस, तो O के साथ कौन अटैच होगा, H, क्योंकि O क्या बन रहा है आपका, माइनस, और यहाँ पे क्या बन गया, C। ये एसीटोन के साथ बना है, तो इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, सपोज क्या है हमारे पास, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है मान लो, ठीक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी एल्कीन दिख रही है आपको, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब कि दोनों तरफ डबल बॉन्ड के अगर सेम पार्ट है तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो शिफ्टिंग किधर से भी किधर हो जाती है। शिफ्टिंग में आप क्लेम नहीं कर सकते कि इधर से इधर ही होगी या इधर से इधर ही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मान लो H प्लस अटैक करने आया, H प्लस अगर प्रोटॉन अटैक करने आता है तो क्या होगा, यहाँ से शिफ्टिंग मान लो इधर हो गई, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। H प्लस नेगेटिव वाले सेंटर पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा इधर वाले पे, CH3 बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव रिएजेंट है तो वो आकर के किस पे अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव वाले पे। यानी कि दोनों क्या चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, अलग अलग भी चल सकता है अगर केवल H प्लस आए। ठीक है, हम बोलें कि कोई कंपाउंड है वो के H प्लस, उसका H प्लस ही अटैक कर रहा है, तो फिर ये रिएक्शन होगा, है ना। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ जाता है एल्कीन, ठीक, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गई। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ये कैसा है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करेगा। इंडक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये पुश करेगा इधर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर ही होगी ना, तो ये इधर जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब कोई स्पीसीज मान लो आती है, सपोज मान लो HBr आता है, सपोज कौन आता है, HBr आया। तो HBr में आपको पता है कि दो पार्ट है, HBr में आपका H प्लस है और Br माइनस है, कौन कौन है, H प्लस है यहाँ पे और कौन है, Br माइनस। तो Br माइनस चला जाएगा पॉजिटिव सेंटर पे, और H प्लस किस पे चला जाएगा, CH3, बीच वाले पे कौन आ गया, बीच वाले पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, Br, और इस पे कौन आ जाएगा, H, इस पे H आ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 बन गया, और ये क्या बन गया, CH Br। ठीक है, कौन सा इफेक्ट है ये,
इलेक्ट्रो मैरिक इफेक्ट। कहाँ कहाँ देखेंगे? जहां पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे हम देख सकते हैं। प्लस ई कब बोलते हैं? अगर आप कोई इस मॉलिक्यूल से नहीं, डेफिनेशन वाइज तो यही बोलते हैं, डेफिनेशन में तो आप यही कहोगे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि प्लस ई माइनस ई की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जो अटैक करने वाला रिएजेंट है, अगर वो उस सेंटर पे आता है, उस एटम के ऊपर अटैच होता है जा करके, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, टूवर्ड्स शिफ्टिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई कब बोलेंगे? जब इस पे अटैच हो रहा हो पॉजिटिव वाले पे, जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक। और वैसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब पॉजिटिव अटैक करने आ रहा है तो प्लस ई बोल देते हैं। डेफिनेशन ये नहीं है, समझने के लिए बोल सकते हैं। जब पॉजिटिव अटैक कर रहा है तो प्लस ई बोल सकते हो, और निगेटिव अटैक कर रहा है तो माइनस ई। वैसे आप देखो तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एस सी एन जब रिएक्ट करने आया तो एस सी एन या सी एन माइनस, सी एन माइनस लिखें हम या एस सी एन लिखें, बात एक ही है। रिएजेंट तो अटैक करने आ रहा है तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव पोल तो बन ही रहे हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बात? और कोई एग्जाम्पल बता दें इसका। देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे इसके। अभी तो हाइपर कंजुगेशन आपको सिखाया था, मालूम है आपको हाइपर कंजुगेशन? सबको पता है हाइपर कंजुगेशन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है तो एक क्वेश्चन बता दो। हाइपर कंजुगेशन अकर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, चार ऑप्शंस है आपके पास, लिख दूं? लिख देती हूँ, अभी बोला नहीं मैंने। क्वेश्चन है आपका हाइपर कंजुगेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाई एमओ विद एस, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल विद सिग्मा, सिग्मा एमओ विद पाई एमओ, और नन ऑफ दीज। हाँ, विद विद विद। अच्छा, बी होना चाहिए। सी माइनस नहीं है ये, ऐसे शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जैसे रिस्पेक्टिवली को क्या लिखते हैं? आर एस पी लिखते हैं ना, वैसे ही, वैसे ही विद को ऐसे लिखते हैं लोग। लेकिन रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू को, विद रिस्पेक्ट टू को डब्ल्यू आर टी लिखते हैं, है ना? तो ये बुक्स में लिखा रहता है, विद बुक्स में नहीं लिखा जाता है। विद जो है हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं। बी होना चाहिए पाई एमओ विद एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल विद सिग्मा, सिग्मा एमओ विद पाई एमओ। कैसे हो रहा था हाइपर कंजुगेशन का? कोई केस याद करिए, किसमें देखा था हम लोगों ने? सी एच टू डबल बॉन्ड, इसमें देखा था? इसमें देखा था क्या? कैसे देखा था इसमें हम लोगों ने? ये वाला, ये कहाँ जाएगा? ये इधर,
और ये वाला इधर है, तो हुआ क्या था इससे? है ना, ऐसे बना था। तो किस, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो ये था, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, है ना? और दूसरे वाले कौन से इन्वॉल्व हुए थे, जिनकी शिफ्ट हुई थी? वो पाई के हुए, पी ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तो शिफ्टिंग हुई थी। हाँ बोलो बोलो। हाँ आप ये कहना चाहते हो कि कहाँ लिखा है? सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं उसको, और सिग्मा पी भी बोलते हैं, सिग्मा पी भी बोलते हैं। इसका सिग्मा ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल, इसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है ना, इसलिए सिग्मा पी भी बोलते हैं। आंसर तो सेकेंड ही है, बाकी ये थर्ड वाले पे भी गौर करना तुम लोग, थर्ड वाले में क्या सीन है। थर्ड वाले पे भी गौर कीजिए थोड़ा। सिग्मा एमओ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं कहाँ कुछ कंफ्यूज कर। हाँ तो सी पे भी गौर तो करना ही पड़ता है ना सारे उस पे भी, गौर तो सब पे ही करना ही पड़ता है ना। जो बन रहा है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से तो देखना तो पड़ेगा ही ना। सब लोग कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं? आप भी कह रहे हैं और बाकी लोग ऑप्शन बी? पक्का लॉक कर दें? सच में सेकंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे आप, थर्ड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा है थर्ड ऑप्शन? ध्यान से सोचिए जरा, थर्ड ऑप्शन आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है? सेकेंड पे ही जा रहे हो तुम लोग? अच्छा, हेमांग ने बिल्कुल वैसे आंसर दिया है जैसे केबीसी में एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। कल मैं केबीसी का एक एक एपिसोड देख रही थी, कोई ऐसे बैठे हुए, तो उसमें एक्सपर्ट एडवाइस उसको अच्छे तरीके से नहीं मालूम था, तो उसने ऐसे ही बोला कि मुझे ऐसा लग तो रहा है ये, पर अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ऐसा।
अच्छा कुछ पॉइंट सुनो इसके बारे में। डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है इन्होंने। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मे बी रिटन इन्वॉल्विंग नो बॉन्ड बिटवीन नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। कुछ खास बात नहीं, नाथन बेकर ने दिया था, परमानेंट इफेक्ट है। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसपी टू हाइब्रिड कार्बन ऑफ आइदर एल्कीन एल्काइल कार्बोकेटाइन या एल्काइल फ्री रेडिकल। मतलब वहीं पे होगा जहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन है। तो एसपी टू तीनों कंडीशन में दिखता है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कार्बन फ्री रेडिकल है, और अगर आपका कार्बन एल्कीन वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, तो एसपी टू। सिग्मा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू एसपी टू हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, है वन हाइड्रोजन होना चाहिए। ए बोथ ऑफ दीज कंडीशन आर, इसमें कुछ खास बात ही नहीं है, ऐसी कुछ खास बात जिसको हम निकाल पाए अच्छे तरीके से। ये एक बुकलेट है जिससे वो बनाए जाते हैं, रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट बुकलेट है, इसलिए मैं इससे देख रही थी कि इसमें कुछ खास बात, ऐसी कुछ नया चीज तो नहीं मिल रहा, जो हमने पढ़ा है जो करा है वही है। चलो ऑप्शन बी है इसका। टीचर बच्चों के मजे नहीं लेता है, ये वर्ड ठीक नहीं है, है ना? आपको परेशान कर रही थी ये, आप कह सकते हैं। और वो भी परेशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो अलग तरीके से देखते हो आप, जब पेपर में प्रेशर में देखते हो तो आपको ये भी लगता है, वो भी लगता है ना? और कई बार ऐसे ऑप्शन नीचे एक ऑप्शन ये भी दे देता है, ए एंड बी बोथ, तो और लगना चालू हो जाता है ना? ऐसे नीट का पेपर जिस लेवल का आता है, नीट में अगर बोथ और वो ऑप्शन होते हैं, ऑल ऑफ दीज, स्पेशली उसका, आप लोग बायो का नहीं देखे होंगे, बायो वायो का पेपर देखिए, अगर ऑल ऑफ दीज है और बोथ है ना? अब तो बहुत थोड़ा टफ करके बनाने लगे, पहले 2-4 साल पहले बोथ और ऑल ऑफ दीज है तो उसमें सब में वही ठीक होता था, वही सही होता था अक्सर करके, पूरा पेपर उठाओ देखो तो। अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है, क्या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और फिलस का मतलब होता है क्या, लविंग, यानी कि कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, तो वो स्पीसीज काम करेगी इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को अफेक्शन किससे होगा, जिसके पास कम हो। तो कैसी स्पीसीज हो सकती है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रॉन हाँ डेफिशियंट स्पीसीज बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है। कैसा हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है, मे बी ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, नॉट ऑल, सारी पॉजिटिव चार्ज वाली को आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते, अभी बताते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो, पॉजिटिव चार्ज वाली हो, ऐसी स्पीसीज को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना? और एक और कैटेगरी थी, लुईस एसिड और लुईस बेस भी हम बोलते थे, तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, लुईस एसिड होगा या लुईस बेस? लुईस एसिड होगा, क्यों, लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो लुईस एसिड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़े थे या पढ़ते हैं हम लोग,
जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, उनका जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट बोलते हैं उसको हम लोग। क्या कहते हैं उनको? ऑक्टेट इनकम्प्लीट उनका रहता है। तो ऐसे सेंटर्स भी कैसे काम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐसे ई प्लस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज भी बोल सकते हैं, लुइस एसिड भी बोल सकते हैं, और ऑक्टेट जिसका इनकम्प्लीट होगा वो भी कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो कौन कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में जैसे जो आप यूज करोगे ज्यादातर ऑर्गेनिक में, कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग? एच प्लस हो गया, प्रोटॉन बोलते हैं ना, एच प्लस हो गया। और क्या हो सकता है एच प्लस के अलावा? और क्या ले सकते हो पॉजिटिव में? कहीं पे सी एल प्लस बन रहा है मान लो, है ना, सी एच थ्री प्लस हो गया, सी एच थ्री प्लस हो गया। और क्या बोल रही हैं? ये मान लो फ्री रेडिकल है, कुछ रजत बोल रही है, बी आर प्लस। हाँ ठीक है, सी एच थ्री प्लस ले लिया हमने, ठीक। तो ये सब क्या हो गए आपके? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? एच के पास क्या है? एच के पास क्या है? एच के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये एच प्लस में कन्वर्ट हो चुका है तो मतलब ये तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ये कितना हो गया? जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना, तो इसीलिए जा करके अटैच होता है किसी के साथ। ऐसे ही अगर हम सी एस थ्री की बात करें, सी एस थ्री प्लस की, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सेंट्रल एटम के पास अगर टोटल देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स है। सेंट्रल एटम के पास अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो एक तो इसका जा चुका है ना, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है। फ्री रेडिकल में भी ऐसा ही हुआ है, सी एस थ्री फ्री रेडिकल जब बनता है तो सी एस थ्री फ्री रेडिकल कैसे बनता है? ये मान लो ये किसी के साथ अटैच था, सी एच फोर मॉलिक्यूल था, इसके साथ एक एच क्या हो गया? यहां से हट गया, यहां से ये एक एच हट गया, तो इसके पास क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया? ये सेवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चाहिए कितने? सेवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया तो चाहिए कितने? एट चाहिए। तो इसको भी आप क्या कह सकते हो? इसको भी क्या कह सकते हो आप? इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, पेयर नहीं चाहिए इसको, है ना। इसको हम लोग लुईस एसिड नहीं बोलते हैं, फ्री रेडिकल को लुईस एसिड नहीं बोल सकते आप। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। लुईस एसिड क्या बोलोगे किसको? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। जैसे अगर हम लोग बोले इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कौन से थे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट में अगर देखो तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आपके सबसे पहले दिमाग में आता है बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री, ये सब थे, बी आई थ्री। अगर इधर जाओ तो बी सी एल टू, ए एल सी एल थ्री, बी एफ थ्री में कैसा सिस्टम था? बोरॉन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? फाइव इलेक्ट्रॉन, टोटल फाइव होते हैं, तो आउटर में कितने होते हैं इसके पास? बोरॉन के पास थ्री, आउटर में थ्री, और थ्री आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और इन्होंने थ्री फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इन्होंने क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इनके पास फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए?
आउटर में 6 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए, और करने कितने थे इनको, ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। इसको भी जरूरत है आपकी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी क्या बना, बोला जाएगा इलेक्ट्रो फाइल बोला जाएगा, है ना। और इसको पेयर की जरूरत है, इसलिए इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। जब पेयर की जरूरत है तो उसको क्या बोल सकते हो आप, लुईस एसिड भी बोल सकते हो। क्लियर है बात इतनी, और भी बहुत सारे होंगे। आप देखो, अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है हमारे पास, सपोज NH4+ लिखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा। H3O+ लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा, सोचो और बताओ। स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, क्यों, NH4+ में पॉजिटिव चार्ज है, NH4+ होगा। अच्छा, तो हाइड्रोजन को लूज करने से क्या होगा, क्या ही बेनिफिट होगा, ये कराया था क्या पिछली बार, इसलिए ये पुराने नोट्स देख रही, उसमें भी NH3 NH4 दिखाई दे रहा। हाँ, अभी तुरंत तुरंत नहीं देखा करो, नहीं तो आंसर तुम्हें कॉपी से मिल जाएगा। चलो सोचो बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी सोच लो, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब एक कहानी में और ट्विस्ट ला दिया मैंने, अभी तो इलेक्ट्रोफाइल सोच रहे थे, अब न्यूक्लियोफाइल सोचने लगे। भाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हम किसको बोल रहे थे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भाई। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस लवर होता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो होगी, या नेगेटिव चार्ज वाली जो होगी, वो हो सकती है ना नेगेटिव चार्ज वाली। हाँ चलो बताओ फिर से, अपने NH4 कुछ भी नहीं है, ना न्यूक्लियोफाइल है ना इलेक्ट्रोफाइल है, NH4+, NH4+। कैसे, अपना अपना आंसर एक्सप्लेन करो, जल्दी करो जल्दी, अभी तो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए क्या, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं क्या, तो दिया है तो कंप्लीटली थोड़ी दिया है, तो उसके पास भी ना हो गए इसके, है ना, तो इसको तो कोई ना जरूरत है ना कुछ है ऐसा। हाँ
अच्छा, रजत कह रही है इससे हाइड्रोजन चला जाएगा, देवांग कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा पूरा। देखो अभी इस कंडीशन में तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन में तो ये, हाँ, स्टेबल सिस्टम है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन देखो आगे सुनो, आगे सुनो, एक कंडीशन इसमें मिल सकती है आपको, जैसे कुछ बुक्स में ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है एनएच फोर प्लस को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या चीज, वो क्या चीज लिखते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एनएच फोर प्लस एक्वस हो गया सॉल्यूशन। जब ये बनता है तो सॉल्यूशन फॉर्म में जब ये आता है ना, तो होता क्या है कि ये अमोनिया और एच प्लस बना देता है। क्या बना देता है, ये अमोनिया और एच प्लस बना देता है, और एच प्लस आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये गरीब आदमी है, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो जब आपको एक्वस दिया होगा एनएच फोर एक्वस, तब आप समझेंगे क्या कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इससे एच प्लस रिलीज हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, और एच प्लस जैसे ही रिलीज होगा तो इसका मतलब एच प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और अगर वैसे देखें तो वैसे नहीं होगा, है ना। हाँ कर सकता है दोनों, लेकिन दोनों कंडीशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। या तो उसमें एक, या तो इलेक्ट्रोफाइल एज्यूम करेंगे या न्यूक्लियोफाइल एज्यूम करेंगे ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल की सीरीज में दिया होगा किसी किसी बुक में। अरे सारांश कह रहे हैं कि एक को सोल्यूशन तो बहुत जगह काम आ गया, लेकिन एक को सोल्यूशन होता क्या है ये नहीं मालूम है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में सॉल्यूशन बना दिया दाता प्रभु। एक्वस का मतलब पानी में मिला दिया, नमक का शरबत, शक्कर का शरबत। सोल्यूशन जब चैप्टर हुआ होगा तो इतनी बार ये वर्ड आया होगा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा तब आया होगा। अब H3O प्लस की भी यही कंडीशन है, अगर H3O प्लस का स्ट्रक्चर देखो तो कैसा बनेगा, H3O प्लस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो कैसा बनेगा, एक ही अपना लोन पेयर दे देगा इसको, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको लोन पेयर मिल गया, ठीक है। ये तो स्टेबल सिस्टम है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके आउटर में छह थे, ऑक्सीजन के आउटर में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दो बॉन्ड तो इसने बना ही लिए, तो आठ इलेक्ट्रॉन तो इसके हो ही गए, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक्वस में जाता है तो ये भी क्या करता है, ये भी, हाँ क्या क्या, हाँ दिखा सकते हो आप, दिखा दो। लेकिन जब इसको लिखोगे एक्वस, क्या लिखोगे, एक्वस लिख दोगे तो मतलब इससे क्या मिल रहा है, एच प्लस मिलने लगा, एच प्लस की अच्छी स्पीड होती है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है भाई, बात क्लियर है सबको, बहनों एंड भाइयों सबको क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल पे आ जाएं भाई जी, कुछ रह गया है, बता दिया, बता दिया लुइस एसिड, बता दिया, कुछ खास बात नहीं है। और पोलर फंक्शनल ग्रुप है जो, वो भी काम करेंगे। अब पोलर फंक्शनल ग्रुप तो दोनों की तरीके से काम करेंगे, जैसे अभी सीओ का एग्जाम्पल लिया था, पोलर फंक्शनल
ग्रुप। ये कैसे काम करेंगे? ये तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप का मतलब जिसमें पोलरिटी होती है। ये वाला था, इस पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिस पे निगेटिव चार्ज आ गया मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। और इधर वाले में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफाइल होगा? कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफाइल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है या लो है? लो है जहां पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लो है, तो ये कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रो फाइल की तरह। और ये वाला कैसे काम करेगा? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो कैसे काम करेगा? न्यूक्लियो फाइल की तरह। ठीक है, अब देखो इसको, देखो BF3, BCl3, BBr3, BI3, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इन चारों को। देखो सब इलेक्ट्रॉन, सबके पास क्या है? कमी है। सबके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? दिक्कत है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट सबका है। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सबको जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। सबको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो सब काम करेंगे कैसे? इलेक्ट्रो फाइल की तरह। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा होगा और सबसे गंदा कौन सा होगा। सबसे अच्छा कौन सा होगा और सबसे सबसे अच्छा Bi3 होगा। अच्छा, कैसे? फिर से आप कह रहे हैं कि राशि कह रही है कि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए आयोडीन आसानी से, आयोडीन के पास घर बड़ा है तो आयोडीन आसानी से एकोमोडेट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, और फ्लोरीन कम वो कर पाएगा क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है ना? यही कहना चाहते हैं आप लोग? पक्का? तो आपके अकॉर्डिंग Bi3 अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, और BF3 क्या होना चाहिए? गंदा होना चाहिए इन चारों में, जब तक एक्सेप्शन बीच में ना। ठीक है, देखो यहां पे अगर देखो आप BF3 का स्ट्रक्चर हो या BCl3 का स्ट्रक्चर हो, सबके स्ट्रक्चर में एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसका नाम पड़ा क्यों है? क्यों पड़ा है देवांग? बताइए, 11th में पढ़ाया हुआ है, विदुषी बताइए। बैक बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं? देखिए, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। बोरॉन के पास क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन है? क्या कर दिया मैंने? बोरॉन के पास क्या है आपका? कहाँ गया वो? बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसके पास पी ऑर्बिटल आराम से पड़ा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम ले लें। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। इन सब के पास है, सीएल के पास भी है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना, तो एक से तो बॉन्डिंग बना ली, तीन तीन लोन पेयर इनके पास पड़े हुए हैं एकदम मजे में। तो
तो ये क्या करते हैं कि स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग इसमें बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये बॉन्ड तो बना ही था, अब ये पी ऑर्बिटल, इसका जो खाली पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल है उसमें इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। थोड़ा सा ये जो बॉन्डिंग होती है रेजोनेंस काइंड ऑफ होती है, मतलब ऐसा नहीं कि उठ के पूरे चले गए, कभी इसके पास होंगे और कभी इसके पास होंगे, रेजोनेंस काइंड ऑफ होगी। लेकिन इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इधर से भी होगी, कभी इधर से होगी इस फ्लोरिन से, कभी इससे होगी, कभी इससे, सब में ये प्रेजेंट होती है। इसमें भी हो सकती है, हाँ वीक होती है, इतनी कोई स्ट्रांग नहीं होती, नहीं तो मेन बॉन्डिंग में इसका नाम नहीं होता। हाइड्रोजन से इसकी डिग्री नहीं पता, हाइड्रोजन से इसकी नहीं पता, हाइड्रोजन वीक में आता है लेकिन ये कितनी वीक है ये नहीं पता। तो ये बैक बॉन्डिंग तीनों में प्रेजेंट होगा, तीनों में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग हो गई ये एक स्पेशल तरीके की, तो और भी स्ट्रांग हो गया बॉन्ड। तो BF3 में, BCl3 में, BBr3 में और BI3 में है ना। अगर वैसे देखो तो आयोडीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्या है दूर है, और लेकिन अगर BF3 में देखो आप तो BF3 में फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। पी ऑर्बिटल क्या होंगे, पास पास होंगे। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी या गंदी होगी, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी जो पी ऑर्बिटल का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली बोरॉन के पी ऑर्बिटल के साइज के थोड़ा सा कंपैरेटिव ही होगा, और इनके जो पी ऑर्बिटल होंगे वो बड़े हो जाएंगे, और जैसे ऑर्बिटल बड़े होते जाएंगे वैसे दूर होते जाएंगे, उसके और दूर हो जाएंगे, उसके और दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एक अच्छी सी बैक बॉन्डिंग होगी, है ना। और यहाँ पे क्या होगी, बैड बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इस बैक बॉन्डिंग से कोई नुकसान होगा क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में या देने में, क्या सोचते हो आप, कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो कोई दिक्कत होगी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, देवांग कह रहे हैं कि वीक बॉन्ड है तो क्या ही फर्क पड़ रहा। ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पास आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन भी ज्यादा होगा। तो सोचने की बात यह है कि एक फैक्टर का फायदा हो रहा है और एक फैक्टर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है उसके ऊपर, बिल्कुल उसको प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का, और साइज बहुत छोटा है तो तीन लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी थे, एक बोरॉन से बैक बॉन्डिंग हो गई है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, टाइट है, पोजिशन क्या है इनकी, टाइट है। और यहाँ पे अगर देखो साइज वाइज तो आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, तो बैक बॉन्डिंग तो उतनी अच्छा बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, लेकिन क्या होगा, अच्छा बैक बॉन्डिंग से फायदा हुआ ना उसको इलेक्ट्रॉन तो मिले, तो इलेक्ट्रॉन अगर, हाँ नहीं, इसको बैक बॉन्डिंग से क्या फायदा मिला इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को अगर देखें तो, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा एक तरीके से अगर देखो तो, अगर किसी के दो लोन पेयर ये ले लेता है खुद के ही सिस्टम से इसका काम बन जाता है तो बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा, ये भी सोचने की बात है। लेकिन स्पेशल कंडीशन में होता है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बहुत वीक होती है तो इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है। तो आप क्या सोचते हो, बैक बॉन्डिंग तो BF3 में सबसे अच्छी होती है।
तो इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल BF3 नहीं होगा। कौन अच्छा होना चाहिए इसमें से? Bi3 होना चाहिए। हाँ रजत, रजत रजत कहना चाहती हूँ, कहीं से कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा है? इसमें एक फैक्टर और काम कर रहा है। आप सोचना, चलो आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, कल की क्लास में सारांश बताना आप, मतलब अगर नहीं सोच पाओ तो आंसर आप लोग मेरे से ले लो। हाँ आंसर तो यही है, लेकिन एक फैक्टर इसमें और काम कर रहा है। हाँ कि सबसे अच्छा है। हाँ लेकिन सोचना क्या फैक्टर हो सकता है। बैक बॉन्डिंग का तो मैंने बता दिया, BF3। हाँ यही तो पता लगाना है तुम्हें। हाँ तो यही सब सोचना है आपको। नहीं क्वेश्चन सही है, न्यूक्लियो फाइल कैसे शो करते हैं, उसको शो करते हैं E+ से, इसको शो करते हैं Nu, और ऐसे माइनस दिखा करके इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। न्यूक्लियो फाइल हो गया है ना, न्यूक्लियस लविंग हो गया, लवर हो गया, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होगी। कैसी स्पीसीज होगी? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, तो आपका वो न्यूक्लियस से ही अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सेंटर से ही अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी तो बोल सकते हो। और अगर लुईस एसिड और लुईस बेस के कॉन्सेप्ट में बोलो तो क्या बोल सकते हो? लुईस बेस बोल सकते हो, ठीक है? तो कैसी कैसी स्पीसीज ये देखने को हमको मिल सकती हैं, जो न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। आपकी नेगेटिव चार्ज वाली हो सकती है, और कौन सी मिल सकती है? न्यूट्रल भी मिल सकती है ना? न्यूट्रल वाले में होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनको हम बोल रहे हैं, या आप उसको क्या बोलते थे, वो बोलते थे क्या, जिसके पास लोन पेयर होगा, है ना? लोन पेयर होगा वही तो देगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी, लोन पेयर होगा वही देगा। और तीसरा एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर किसी के पास है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे भी वो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दे चले जाते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं ना आसानी से। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है कहीं पे, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है कौन सा कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। मानस क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड है और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? पाई बॉन्ड वाला सिस्टम भी कैसे काम करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, ट्रिपल बॉन्ड वाला CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, या बेंजीन ले लो, बेंजीन रिंग के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी दे सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच में क्या क्या ले सकते हो? हाँ लोन पेयर वाले H2O हो गए, अमोनिया हो गया, लोन पेयर है इसके पास, PH3 भी हो जाएगा, और क्या हो सकते हैं? और नेगेटिव चार्ज वाले में कौन से हो सकते हैं? Cl- OH- बहुत देखने को मिलेगा आपको, Br- I-, NO2-, F-, ये सब क्या हो गए आपके? न्यूक्लियो फाइल हो गए।
और भी कोई इम्पोर्टेंट हो तो वो भी लिखवा दो। तीन कैटेगरी है आपकी। NH2- हो जाएगा। NH2-, NH2-, CO-, नेगेटिव चार्ज उस पे भी है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगी सारी। N3- भी होगा। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे RNH2 भी ले सकते हो, इसमें एमीन लेते हैं ना हम लोग, अमोनिया ले सकते हो तो एमीन भी ले सकते हो, RNH भी, R2NH भी ले सकते हो। RO- हो गया, RCOO- हो गया, CN- हो गया। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आप ले सकते हो। न्यूट्रल में आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O हो गया, NH3, PS3, RNH2। क्या SH- भी आ सकता है, माइनस वाली स्पीसीज आएंगी मोस्टली, SH- भी आ सकता है। वो दोनों की तरह काम करता है ना, उसको तो एम बी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एम बी फाइल बोल सकते हो सीओ को। वो तो पोलर ग्रुप हो गया ना, पोलर ग्रुप में एक एटम करेगा काम कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और एक कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। CO- तो पूरा एम बी फाइल हो गया, एम बी फाइल का मतलब कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह और कहीं पे न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ खास बातें हैं नहीं, एक कैटेगरी और होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो कार्बन की बात हो रही है, और मेटल से जुड़े हुए जो कंपाउंड बनेंगे उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग खूब यूज करेंगे रिएक्शंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। आर की जगह पे क्या हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं, RMGX। ये काम करता है कैसे, किस तरीके से काम करता है, न्यूक्लियो फाइल की तरह, न्यूक्लियो फाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा न्यूक्लियो फाइल की तरह, इसमें ध्यान रखना है इसमें ये बॉन्ड नहीं टूटता है कभी भी। एक्स एक्स हेलोजन है, एक्स है आपका हेलोजन, आर है आपका एल्काइल, ठीक है, एक्स आपका हेलोजन है। तो हेलोजन को देख के ऐसा लगता है कि ये मेटल है, ये हेलोजन है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा ये बॉन्ड नहीं टूटता, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये कैसे बनाता है, आर का नेगेटिव और MgX क्या बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन सी स्पीसीज इसमें काम करेगी, RMGX में अगर बोलें तो ये काम करेगा R-, कार्बन आयन। कौन काम करेगा इसमें, कार्बन आयन, कार्बन आयन काम करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और भी होते हैं इसमें, जैसे एक लिथियम का होता है R2ZN, एक रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसमें ये यूज होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R2ZN, ठीक है। इन जनरली जिंक लिख देते हैं उसमें, जो का रिएक्शन लिखते हैं ना उसके ऊपर जिंक लिखा होता है, पर बेसिकली रिएजेंट कौन सा यूज होता है, R2ZN, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो इसमें भी R- होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे एक होता है RLiCu, R2LiCu, लिथियम कॉपर और
आर्क से कॉम्बिनेशन बनता है। इसको आप बोल सकते हो डाई अल्काइल लिथियम कॉपर या कॉपर लिथियम, इस ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। जैसे इसको नाम देना है CH3MgX को, तो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या नाम दे सकते हो? नाम मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। जो भी हेलोजन लोगे उसकी बेसिस पे इसका नाम होगा। ठीक है, अब देखो एक कैरेक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए, और एक कैरेक्टर होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग लुइस बेस कैरेक्टर। दूर से देखने में दोनों चीजें क्या लगती हैं? एक सी लगती हैं। दोनों चीजें क्या लगती हैं? एक सी लगती हैं, कि जो लुइस बेस कैरेक्टर है वही क्या है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी है। लुइस बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल के पास भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसको देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है ना? तो दोनों चीजें क्या है? सेम है ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये देखो, एक कैरेक्टर है लुइस बेस कैरेक्टर, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ठीक, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक, एक बोला जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कराएगा, और एक बोला जाता है कि कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात समझ में आई? जैसे किसी काम को कराना हो गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू, और किसी काम को कराना हो उसके लिए किसी प्राइवेट सिस्टम के थ्रू, तो गवर्नमेंट सिस्टम में जब आप जाते हो किसी काम के लिए, कोई आपको काम कराना है, तो आपको क्या होगा वहाँ पे? सब केयरलेस टाइप, मतलब हर उस पे नहीं, पर जो छोटे लेवल के गवर्नमेंट के काम होते हैं उसमें क्या होता है कि सब लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, और किसी सरकारी बैंक में ही चले जाओ, ये करना है हमको काम, है ना? कोई बोलेगा उस विंडो पे चले जाओ, कोई बोलेगा 3 बजे आना, कोई बोलेगा 10 बजे आना। 2 दिन तो ये काम ही नहीं होगा, अगले दिन आना। ठीक है, प्राइवेट बैंक में जाओगे, प्राइवेट जगह पे जाओगे, आपको क्या होगा? जैसे ही कस्टमर को देखा नहीं, कि 2-3 बंदे उसके आगे पीछे लग गए आराम से, सर ये है लाइए, ऐसे वैसे करके काम तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को देना, और एक होता है कि हमारे पास पैसे हम किसी को दे सकते हैं, और एक ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, हमारे किसी एकदम क्लोज को जरूरत है तो उसने खुद से ही दे दिया कि नहीं ये लो तुम अपना काम करो, है ना? एक होता है हमारे पास पैसे हैं, जब हमसे कोई मांगेगा हमारे पास आएगा तब हम उसको दे देंगे। ठीक, तो एक सरकारी सिस्टम हो गया और एक प्राइवेट सिस्टम हो गया। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो तुमने ले लिया 15 ग्रुप के एलिमेंट, प्राइवेट कैरेक्टर के हिसाब से चलेगा। हाँ बता रही हूँ बता रही हूँ, NH3 हो गया, PH3 ले लिया तुमने, ASH3 ले लिया, और कौन सा होता है? SBH3 ले लिया, इन तीनों को ले लिया। ये क्या है? 15 ग्रुप के हाइड्राइड है, 15 ग्रुप के ये क्या है? हाइड्राइड्स। तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास NH3, इसके पास लोन पेयर है, PH3 के पास भी यही सेम सिचुएशन है, ASH3 के पास भी यही चीज है। नाइट्रोजन का साइज क्या है? साइज क्या है? स्मॉल। अगर SB का साइज देखो तो SB का इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा साइज है। SB का साइज क्या है? बहुत बड़ा है। मान लो इसके पास कौन आया? इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास कौन आएगा? गरीब आदमी।
सबसे गरीब आदमी कौन है हमारे पास अभी? एच प्लस। तो एच प्लस आया इसके पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने, तो इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ मिल गए। एच प्लस आया इनके पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने, है ना? तो इनके पास इनका ये बड़ा सा सिस्टम है, तो इधर ढूंढ रहा उधर ढूंढ रहा है, ठीक है? तो अगर साइज के हिसाब से देखो तो अवेलेबिलिटी किसके पास कम लग रही है? इसका साइज क्या है दोनों के पास, एस बी के पास। ऐसा हो सकता है कि एच प्लस को इलेक्ट्रॉन को लेने में क्या हो, दिक्कत है, साइज बड़ा है। और एन एस थ्री के पास क्या होगा, एन एस थ्री का स्मॉल साइज है, ठीक है? तो ये आसानी से अवेलेबल करा दे इलेक्ट्रॉन को। है दोनों के पास, एक एक पेयर दोनों के पास है। अब ये बात थी ग्रुप में, अगर पीरियड में चलो, जैसे मान लो तुम ले लो ओ एच माइनस, एन एच टू माइनस ले लिया तुमने, एफ माइनस ले लिया, इनको ले लिया, इनको कंपेयर करना चाहते हो, ये क्या है आपके एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, और एफ माइनस सेकेंड पीरियड, ठीक? तो जब आप पीरियड में देखते हो तो पीरियड में साइज कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। जब ग्रुप में आते हो तो साइज का फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि एक एक शेल बढ़ती जाती है ग्रुप में नीचे आते हो, तो लेफ्ट टू राइट में इतना साइज का इफेक्ट नहीं आता। तो जब लेफ्ट टू राइट में हम देखते हैं इस चीज को, तो इस समय हम लोग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। किसको कंसिडर करते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखें तो किसकी सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की उसके बाद, और नाइट्रोजन की उसके बाद। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा क्या? और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लुईस बेस कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करें, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात करें, तो किसका ज्यादा होना चाहिए किसका कम होना चाहिए? नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए। एक कार्बन भी ले लें इसमें, सी माइनस भी ले लेते हैं, एक इंक्लूड कर देते हैं, एक सी माइनस भी ले लिया। अब बताओ क्या आना चाहिए ऑर्डर? इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे नहीं, तो इनका लुईस बेस कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करें तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? सी माइनस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर किसकी होनी चाहिए? नाइट्रोजन की, एनएच टू माइनस की, फिर उसके बाद ओ एच माइनस की होनी चाहिए, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? एफ माइनस की होनी चाहिए। कौन क्या चीज बोलते हैं इसको? न्यूक्लियो फिलिसिटी भी बोलते हैं, आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म भी यूज करते हैं, या दूसरा टर्म इसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं, ये क्या है, लुईस बेस है ना, लुईस बेस कैरेक्टर। दोनों टर्म इसके लिए यूज करते हैं, लुईस बेस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है इन सब में, और आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर लिखने को आए तो कर लेंगे इस तरीके से ग्रुप में। बेस इसमें क्या करना है आपको, किससे कंपेयर करना है? इसमें आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से। यहाँ पे साइज का फैक्टर उतना काम नहीं करेगा। और ये वाले में किससे कंपेयर करना है आपको? ये वाले में
साइज के हिसाब से देखना है। तो साइज के हिसाब से अगर देखो तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी या लुईस बेस कैरेक्टर होगा। साइज बड़ा एसबी का है, एसबी का साइज बड़ा है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए? NH3 का। और लुईस बेस कैरेक्टर ग्रुप में दोनों अलग अलग होते हैं, ग्रुप में दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रख लो। ग्रुप में इन जनरल क्या आएगा? ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी और लुईस बेस कैरेक्टर इन जनरली अलग आते हैं। सोच के बताओ, डिस्कशन कर रहे हैं, अरे रिकॉर्डिंग बंद करो।